पहली बार किसी ने ऐसा गाया है। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूँ जी सर, मुझसे अच्छा गाया, मुझसे अच्छा गाया है, बहुत अच्छा गाया है। और भजन ऐसे ही गाना चाहिए, बहुत ज्यादा मुर्गियों की तरफ ना जाओ, बहुत ज्यादा टेक्निकल सिंगिंग मत करो, भाव से गाओ। और तुमने बिल्कुल भाव से गाया, यही है भजन सिंगिंग, और सच में यही होती है गजल सिंगिंग भी। शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे।
जो मैं मेरा दिल विश कर रहा था कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अनूप सर और तलत अजीज सर, इन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। आपके बाद पहली बार किसी ने ऐसा गाया है। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। जी सर, मुझसे अच्छा गाया, मुझसे अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया है। और भजन ऐसे ही गाना चाहिए, बहुत ज्यादा मुर्गियों की तरफ ना जाओ, बहुत ज्यादा टेक्निकल सिंगिंग मत करो, भाव से गाओ। और तुमने बिल्कुल भाव से गाया, यही है भजन सिंगिंग। और सच में यही होती है गजल सिंगिंग भी। यही कारण है कि गजल नाइट में इस भजन को भी जगह मिली है, नहीं तो यहाँ तो गजलों भरी है। लेकिन इसमें भजन को इसलिए जगह मिली है कि ये भी एक गजल ही है। इसकी खूबसूरती, इसकी पोइट्री इतनी खूबसूरत है, और जो गाया है कमाल का गाया है। मैं तुम्हें बहुत आशीर्वाद देता हूँ। मैं तो हजार करोड़ों बार सुन चुका हूँ इन जगह, और ये सबसे पॉपुलर इनकी चीज है, ये सारी दुनिया में। लेकिन आज आपने उसमें अपना रंग डाल दिया। थैंक यू सो मच सर, मेरा दिन बन गया आज। ये गजल नाइट हम सबकी सफल हो गई। मैंने इतना परफेक्शन से लाइव में शायद ही किसी कंटेस्टेंट को गाते हुए देखा, नॉट ओनली कंटेस्टेंट आई वुड से, मैंने शायद ही किसी सिंगर को इतना परफेक्शन से लाइव गाते हुए सुना होगा। ऑनेस्टली थैंक यू सो मच।